सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दोस्तों घायल तो यहाँ एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हो तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत रखिए। जो आपकी हर बात का यकीन करता है उससे कभी झूठ मत बोलना। दुनिया का बस यही वसूल है, जब तक काम है तब तक ही नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। आज का पंचांग 21 मई 2021, दिन शुक्रवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि, सुबह 11:11 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 3:22 तक रहेगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:34 से 11:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 9:07 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। तुला राशि 21 मई 2021, दिन शुक्रवार। किसी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ड्रग्स, एल्कोहल और अन्य बुराइयों को छोड़कर अच्छे निर्णय लें। कोई दिव्य शक्ति आपको इशारा करेगी जिससे आपको किसी दुख या नुकसान के बारे में जानने का मार्ग मिलेगा। यात्रा में परेशानी की संभावना है, इसीलिए सोच समझ कर योजना बनाएं। आज आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त समय है। यह ताकत और सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी सहायता करेगा। अब आप आत्मनिरीक्षण और चिंतन के माध्यम से अपनी वास्तविकता क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने मन का विकास करें और उस पर नियंत्रण रखें, इससे शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज के दिन अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरा कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें आपको समय से टाल रहे हैं। आप इन नीरस रूटीन कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दे तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगी। रोजमर्रा के उपजाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपनी हॉबी संबंधित कार्यों में भी लगाएं। इससे मानसिक और शारीरिक रूप से फ्रेश महसूस करेंगे। अनुभवी व्यक्ति के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे आपको कई नई बातें सीखने को भी मिलेगी। जिन व्यक्तियों के कारण आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव बना रहता है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और जागरूकता भी महसूस होगी। हर बार किसी के द्वारा मार्गदर्शन पाने की इच्छा आपको कमजोर बना रही है। खुद के जीवन संबंधित खुद होकर जिम्मेदारी उठाना सीखें। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोग अधिक मेहनत से अपने काम को अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सफलता भी प्राप्त होगी। आपके मन के अनुसार पार्टनर मिलेगा, लेकिन परिवार के लोगों की नाराजगी का सामना हो सकता है। पेट में बढ़ती जलन और एसिडिटी स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। अंतरंग संबंध खास रूप ले सकता है। किसी व्यक्ति के सामान्य परिचय गहरा बन सकता है। यदि आपकी बॉस महिला है तो अधिक अनुकूलता भी रह सकती है। धन संबंधित लेन देन संभल कर करें। व्यापार संबंधित कोई विशिष्ट गतिविधि आज पूरी ना करें। आज हो सके तो यात्रा ना करें। कार्य विस्तार का अवसर मिल सकता है। नए जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। सावधानियां, बाहरी गतिविधियों में भी किसी न किसी रूप से संपर्क में जरूर रहें। अपने संपर्क का दायरा मजबूत बनाकर रखना जरूरी है।
किसी पारिवारिक सदस्य की समस्या को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। आप अभी हाल ही में किसी के साथ रोमांटिक रिश्ते में बंधे हैं, वैसा आप इस व्यक्ति को पहले से भी जानते हैं, लेकिन इनकी कई कमियों को देखकर आपको अब आश्चर्य हो रहा है। जो आपके सामने अब आई है वह आपकी उम्मीदों को समझने और उन पर खरा उतरने की कोशिश में नाकाम रहा है। आपको उसे कुछ समय देना होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह आपको जरूर समझना शुरू करेगा। प्यार में यौन सुख और रोमांस बेहद जरूरी है, जिनसे लव लाइफ और भी नमकीन हो सकती है। इस समय आप केवल इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। सफर में हुई गड़बड़ी के कारण आपका मूड खराब होगा। आपके लिए यह समय सबसे बढ़िया है। आज आप खुद पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब आप नए कार्यों को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी समय उचित नहीं है, इसलिए इन कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। आपके अपने साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ संभाल लेंगे। बात करते हैं करियर की। अपने गुप्त रिश्ते या कार्य का खुलासा करने का समय आ गया है। बुराई, पाप या गंदगी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए इनसे दूर ही रहें। महीने के अन्य दिनों की तरह आज धन संबंधित मामले आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। किसी अप्रत्याशित बीमारी से दूर रहने के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज केवल अपने बारे में सोचें। आत्मनिर्भरता के लिए यह अच्छा समय है। आज किसी नई या बड़ी परियोजना की शुरुआत ना करें, और आप थोड़ा चिंतन भी महसूस कर सकते हैं। किसी भी काम के लिए खुद पर विश्वास रखें। आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य की लंबी प्रतिबद्धता का फल आपको मिलने जा रहा है, और एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है। अतः आपको अपनी प्रतिबद्धताओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और न भूलें, और उनके साथ सदा विनम्र रहें। यह न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगा, बल्कि आपके भविष्य में भी मदद देगा। अधिकतर व्यापारिक गतिविधियां घर से ही फोन व इंटरनेट के माध्यम से संचालित होती रहेगी। इस समय काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें। बॉस के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर कहासुनी हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं, लेकिन आज जैसे ही शुरुआत करेंगे आपका मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा। फिर भी सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को प्रभावित ना होने दें। आपको आने वाले दिनों में काफी तनाव का सामना भी करना है, इसलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें और खुश रहें। आज का उपाय। आज भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।